और अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी जीवन को यीशु मसीह के पे डाल देना। हालेलुया, अपने सारे जीवन को यीशु मसीह को सौंप देना, अपनी सारी समस्याओं को यीशु मसीह के आगे सौंप देना, अपनी सारी जितने भी हमारे दुनिया परेशानी है उन सबको यीशु मसीह के आगे सौंप देना। हालेलुया, एक समर्पण का जीवन। और समर्पण के जीवन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, यीशु के पीछे हमको अपने आप को चलाना है, उस मार्ग में चलना है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने कहाँ जाना है, हमें अपने स्टेशन का, हालेलुया, हमें अपने उस गंतव्य स्थान का जहाँ हमने पहुंचना है, जहाँ हमने जाना है, उसका पता होना जरूरी है। ये एक मसीह की पहचान है, एक मसीह संगति की ये पहचान है कि हमें अपने जीवन का मकसद पता होना चाहिए। हालेलुया, चाहे यहाँ पर बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, हमें हर एक को अपने स्टेशन का पता होना चाहिए कि हमारे जीवन की गाड़ी जिस पे हम चल रहे हैं वो कहाँ जाके रुकनी है। हालेलुया, कौन से स्टेशन पे रुकनी है। जब तक हमें अपने जीवन का मकसद पता नहीं होगा, मेरे जो हम टगमगाते हुए चल रहे हैं, आप देखो ना, अगर कोई बिना जो जहां उसने जाना है स्टेशन के कहीं जा रहा हो, तो क्या वो अपने स्टेशन पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा, वो भटकता जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहां जाना है। गाड़ी में बैठा जरूर है लेकिन उसको पता नहीं मैंने कहां जाना है। अगर हमें अपने गंतव्य स्थान का पता है, हमें उस जगह का पता है जहां हमने पहुंचना है, तो मेरे प्रियो, हम हर्षव उल्लास के साथ अपने जीवन की उस गाड़ी में आराम से सफर कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमें अपने मकसद का पता है कि हमने अपने स्टेशन पे कैसे जाना है, हमें उस रास्ते को देखना है, हमें उस रास्ते का पता है। अगर हमें उस रास्ते का पता है तो फिर हमें अपने स्टेशन का भी पता होगा और हम उस रास्ते को चलेंगे। और अगर इधर उधर मुड़ेंगे ना तो हम नहीं, हम ड्राइवर, हम अपनी गाड़ी को सही रास्ते पर चलाएंगे, क्योंकि हम खुद अपने जीवन के जो है अपने जीवन की गाड़ी के ड्राइवर हैं। हालेलुया, हम खुद अपनी जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं। अगर हमें अपने स्टेशन का पता नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। हालेलुया, हम भटक जाएंगे, हम ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां की हमें जाना नहीं था। मेरे प्रियो, उसके लिए हमें अपने मार्ग का पता होना चाहिए। हालेलुया, आई एम पाकलाम से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, परमेश्वर वचन से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। बड़ा अच्छा ये वचन है, यूहन्ना ने बड़े अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन का, जीवंत वचन का, इस सुसमाचार का एक वर्णन किया है। हम ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसके पहली आयत से हम कुछ आयत तक पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्या बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना, अपने चेलों से वो बात कर रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना, वो सारी चिंता छोड़ दो, तुम्हारा मन किसी चिंता में न रहे, तुम अपने मन में कोई परेशानी न उठाओ, तुम्हारा मन किसी चीज से न घबराए, तुम्हारा मन किसी से व्याकुल ना हो। अपने चेलों को कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, यीशु कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मेरे पिता के घर में, क्योंकि यीशु कहां का था, स्वर्ग का था। हालेलुया, उसके स्वर्ग के राज्य का सारा पता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। वो किस स्थान की बात कर रहा है, वो किस राज्य की बात करता है, वो स्वर्ग राज्य के स्थान की बात कर रहा है अपने चेलों से, क्योंकि यीशु कहां से आया है, स्वर्ग से आया है। हालेलुया, उसने कहा कि तुम मेरे पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि मैं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम
तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हालेलुया। उसको पता था कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ और मेरा मकसद इस धरती पर कैसा है, मैंने क्या करना है, क्योंकि लिखा है कि मसीह जब आया तो उसका दुख उठाना जरूरी था। हालेलुया। उसका दुख उठाना, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम आज हमारा जीवन एक पवित्र जीवन बन गया है। उस लहू के द्वारा हमने अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया है। किस लहू के द्वारा? क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम जितने भी विश्वासी हैं वो छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। उस लहू के द्वारा हमें वो स्थान प्राप्त होने वाला है। तभी तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, ताकि मेरे पिता के घर में भोज से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहाँ ले जाऊंगा कि मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। वो अपने चुने से कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ, वो स्वर्ग राज्य की बात करता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। उसका चेला एक थोमा था, थोमा उससे बोलता है, उसने कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। थोमा उसका एक बहुत बड़ा शिष्य था, वो क्या बोलता है कि प्रभु हमें नहीं पता कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा ने सवाल किया, प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ अपने पिता के पास जाता हूँ, और जब जाऊंगा तो वहाँ तुम्हारे लिए रहने के बहुत से स्थान है, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। लेकिन थोमा उससे कहता है कि प्रभु हमें क्या पता तू कहाँ जाता है, हमें क्या पता कि वो मार्ग का जहाँ हमने जहाँ तू जाता है हम उस मार्ग को नहीं जानते। हालेलुया। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने, हमें ये पता नहीं है तू कहाँ जाता है। उसने अभी वो अंधकार में है, पर उससे स्वर्ग राज्य की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि प्रभु तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। उसने यीशु से सवाल किया, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं, मेरे प्रियो यीशु ही हमारा मार्ग है और सत्य भी है और जीवन भी है। जब हमें अपने स्टेशन का पता हो जाता है, अपने स्वर्गीय राज्य का पता हो जाता है, तो मार्ग हमारे सामने खड़ा है। हालेलुया। हमारा मार्ग खड़ा है, हम अपने जीवन की गाड़ी को उस मार्ग पर चलाएं जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। वो क्या है? हमारा मार्ग है, वो हमारा रास्ता है, वो हमको भटकने नहीं देता। इस जीवन की गाड़ी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी तंगी आती हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी बदकारी आती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कई बार जिंदगी कैसी परेशानियां होती हैं, कई बार हम जिंदगी की परेशानी से परेशान हो जाते हैं, कई बार हम विचलित हो जाते हैं, कई बार हम थक हार जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने मार्ग का पता है कि हमारा मार्ग कौन है, यीशु है। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। जब हम यीशु नामक मार्ग पे अपने जीवन की गाड़ी चलाते हैं, उसके पीछे पीछे अपने जीवन की गाड़ी चलाते हैं, तो हम भटकते नहीं है, हमारे मन व्याकुल नहीं होते हैं, हम दुनिया की किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं, हम दुनिया की किसी भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, हम दुनिया में चाहे किसी दुख में है, परेशानी में है, कर्जाई में है, लाचारी में है, लेकिन मेरे प्रियो जब हमारा मार्ग, हमें अपने मार्ग का पता है कि हमें स्वर्गीय राज्य में जाना है, और हमें उस मार्ग का पता है कि हम कौन से मार्ग पर चले, जहां पर भी सड़क का पता है, हमें अपने रास्ते का पता है, हमारा मार्ग कैसा है, कौन है, यीशु है। जब उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं, जब उस मार्ग के ऊपर अपने जीवन रूपी गाड़ी को चलाने लग जाते हैं, तो मेरे प्रियो न हमारे टायर पंचर होते हैं, न हमारा पेट्रोल खत्म होता है, न हम कोई परेशानी में पड़ते हैं, न हमको कोई टोल टैक्स वाला रोकता है। हालेलुया। कोई भी नहीं रोकता। क्यों?
क्योंकि उस मार्ग पे हमारे साथ कौन है? यीशु है। उस मार्ग में बाधाएं नहीं है, उस मार्ग में मुश्किलें नहीं है, वो मार्ग हमारे लिए एक खुला मार्ग हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम घबरा जाते हैं, कई बार हम जीवन की परेशानी से लाचार ऐसे परेशान हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें अपने स्टेशन का पता तो है कि हमने जाना है सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। हालेलुया। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग कोई नहीं जानता। जाना सब जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए हमें यीशु रूपी मार्ग के पीछे चलना है, उस सड़क के पीछे चलना है जिसका नाम यीशु है। जब हम उसके पीछे चलने लग जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे मार्ग चौड़े हो जाते हैं, हमारे मार्ग खुल जाते हैं, हमारे बाधाएं मुस्कुराते हैं, खुल जाती हैं और हमें निकलते चले जाते हैं। और अंत में आपको पता जीवन की सच्चाई क्या है? मृत्यु है। हम जीवन में जी रहे हैं, कई बार हम इस सच्चाई को देखकर डर जाते हैं। डरते हैं ना हम लोग, मृत्यु का नाम सुन के सबके भय खा जाता है, जबको कि सबको पता है कि जो इस संसार में पैदा हुआ एक बार उसको मरना है। हालेलुया। और उसके बाद कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। हालेलुया। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये जीवन कितने का ज्यादा 80 साल का 90 साल का उसको पता नहीं चलता। उसके बाद तो यीशु के उस जगह जाना है जहाँ यीशु ने हमारे जगह तैयार कर रखी है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें उस मार्ग पे चलना है, और मार्ग के साथ साथ यीशु क्या कहता है? सच्चाई। हालेलुया। सच्चाई कौन है? यीशु है। जब उस सच्चाई के ऊपर चलने विश्वास करने लग जाते हैं मेरे प्रियो, हमारा मन का जो भरोसा है ना, जब हम परमेश्वर पे अपने भरोसे को जता देते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रख देते हैं, तो परमेश्वर की जो अटूट सच्चाई है ना, वो हमको रास्ता दिखाती है। हालेलुया। क्रूस पर लगा डाकू था ना, हालेलुया, उसने थोड़े से में उसका जीवन बदल गया था। वो कहां पहुंच गया था? स्वर्गलोक में पहुंच गया था। कैसे पहुंच गया था स्वर्गलोक में? क्योंकि उसने मार्ग देख लिया था, यीशु का उस मार्ग को पहचान लिया था, उसने सच्चाई को ग्रहण कर लिया था कि यीशु ही परम सच्चाई है। हालेलुया। अगर हमको इस सच्चाई का पता हो जाता है, जब इस सच्चाई को ग्रहण करने लग जाते हैं कि यीशु ही सच है, तो मेरे प्रियो, हम मार्ग भी तलाश करते हैं। हमारा मन का विश्वास, हम अपने मन को विश्वास को कैसे मजबूत बनाएं? एक बिलीव है हमारे अंदर में, देखी हुई चीजों पर हर एक विश्वास कर लेता है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। उसको विश्वास कहते हैं। हमने देखी हुई चीज देखते हैं तो विश्वास नहीं है ना। मन का विश्वास क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं का ग्रहण करना, उसको पता लगाना कि यह है, वो हमारे लिए हो जाता है। अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखो, तो तुम पहाड़ से कहते हो कि ऊपर के समुद्र में चला जा, वो हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक औरत थी ना जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और जब उसने अपने मन में विश्वास पैदा कर लिया था यीशु के पढ़ने का, उन्हें सच्चाई जान लेती कि यीशु क्या है? सच्चाई है। और अगर मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ में बहुत बड़ी भीड़ थी, और लोग उस पर गिर पड़ते थे, कोई इधर से कोई उधर से, यीशु को सारी भीड़ घेरे हुई थी, और उसने आगे हल्के से यीशु के एक आंचल को छू लिया, और जैसे उसने आंचल को छू लिया, उसने अपने शरीर में महसूस कर लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। और यीशु ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि मुझे किसने छुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सारी भीड़ तो इधर गिरी पड़ती है, हम किसको बोले किसने तुझे छुआ? सारे तुझे छू रहे। करे नहीं, मुझे सिर्फ एक ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकले है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने अपने मन में विश्वास किया, उसने अपने मन में यीशु को सच्चाई जान ली कि ये क्या है? सच है। इसको वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने अंदर उसने एक भरोसा जताया, उस भरोसे को उसने विश्वास में तब्दील किया। हालेलुया। ये मेरे लिए हो जाएगा। जब हमारा विश्वास कसौटी पर खड़ा उतरता है, हमारा भरोसा, तो हमारा विश्वास गिना जाता है। और मेरे प्रियो, उसका परिणाम हमें सुखदाई मिलता है, जैसा उस औरत को मिला था। यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जाए। हालेलुया। सच्चाई। उसके बाद आता है जीवन।
जो हम जीवन है ना, मार्ग भी यीशु है, सच्चाई भी यीशु है और जीवन भी यीशु है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं, मार्ग पर चला रहे हैं, सच्चाई के साथ चला रहे हैं, तो हमारा जीवन कभी भी नीरस नहीं हो सकता। हालेलुया। जब यीशु एक बाग है ना, एक बाग में अगर उसमें सिंचाई न की जाए, उसमें अगर सही समय पर निराई गुड़ाई नहीं की जाए, सही समय पर उसको खाद पानी न दिया जाए, तो क्या पौधा बढ़ता है? नहीं बढ़ेगा, वो मुरझा के खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके आसपास की झाड़ियां उसको दबा देंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके लिए चाहिए, उस पौधे के बढ़ने के लिए एक माली की जरूरत होती है। ईश्वर हमारा माली है। हालेलुया। वो हमारे जीवन को महकाने वाला माली है, वो हमारे जीवन को समय समय पर सींचता रहता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा उसने बहुत से दास प्रभु के खड़े किए हैं। जब हम उसकी पवित्रताई के वचन को, जब हम उसके स्वभाव को, जब हम उसके इस अपने अधिकारी से उसके वचन को अपने जीवन में बसने देते हैं, ये हमारे लिए खाद का काम करता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु के इस वचन को अधिकाई से अपने जीवन में ग्रहण करने लग जाते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन फलदायी होने लग जाते हैं। और फल कौन खाता है? पेड़ अपने फल खुद खाता है? नहीं, बल्कि अपने पेड़ उसके फल और लोग खाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जब हमारे अंदर आ जाता है, जब परमेश्वर की पवित्रताई हमारे अंदर आ जाती है, जब पवित्र परमेश्वर की सामर्थ, इस वचन की सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है, मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर फल लगने शुरू हो जाते हैं। और हमारे फलों से अन्य लोग जो भूखे हैं, इन वचनों के प्यासे हैं, इन वचनों के भूखे हैं, वो भी इन वचनों को पाकर, खाकर और तृप्त होते हैं। हालेलुया। जीवन बचाए जाते हैं। मार्ग, सच और जीवन, एक जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन को जीने के लिए इसमें सिंचाई की, गुड़ाई की जरूरत है। इस वचन रूपी जो ये खाद है ना, ये वचन रूपी जो वचन है, इस वचन को हम अपने जीवन में उतारें, ग्रहण करें। परमेश्वर के द्वारा समय समय पर हमें इस वचन को सिखाते हैं, इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। मैंने पिछली बार भी पढ़ा था ना कि हम साधारण लोग नहीं है। हम अपने अंदर की बुराई को बाहर निकालें, अपने अंदर की जो हमारी गलत भावनाएं हैं उनको बाहर निकालें और इस वचन की सामर्थ्य को अपने अंदर अधिकाई से बस लें। जब परमेश्वर की सामर्थ जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है, तो हम बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है, हमारे परमेश्वर मार्ग को चौड़ा करता है, हमारी सारी बाधाओं को दूर करने लग जाता है। हम क्या करते हैं? कई बार हमारे मन एक दूसरे की कुड़कुड़ाहट भरे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना सबोपदेश के संग में कि अपने कोठरी में किसी को श्राप न देना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकाश का जंतु उसे प्रकट कर दे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, उसके दूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक मसीह के साथ उसके दूत हमेशा रहते हैं। आप महसूस करें, हमेशा हमारे साथ परमेश्वर की शक्ति रहती है। कई बार हम कोई काम करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें बोलता है, नहीं ये काम मत कर, ये गलत है। हमारे साथ क्या होता है? हमेशा पवित्र शक्ति रहती है। जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका मन हमेशा, जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई गलत काम करते हैं, तो हमको रोकता है, पवित्र आत्मा हमको रोकता है, इस काम को मत कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस शक्ति को देखकर करने लग जाते हैं और वही काम कर लेते हैं। क्यों भाई? फिर तो हमें मसीह होना हमारे क्या है? एक अभिशाप बन जाता है। हालेलुया। हम केवल मतलब आते हैं यहाँ, दुनिया बैठे रहते हैं, पेपर अपना बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, हम अपने जीवनों को बदले, हम उस मकसद को पाए जिसके लिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं। हम अपने आप को पवित्र करें, एक दूसरे के लिए कुड़कुड़ाहट हमारे मन में ना हो, एक दूसरे के लिए बैर हमारे मन में न हो, चाहे जितना मर्जी हमारे निकालने पड़ा पवित्र शास्त्र में, अपने शत्रुओं के लिए क्या करो? प्रार्थना करो और उनको क्षमा करो। हालेलुया। हमारे काम क्षमा करना है।
जब किसी को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे असंख्य अपराधों को क्षमा करना है। हालेलुया, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे लिए बहुत ऐसे मिलती है। कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस जब हम सोचते हैं ना किसी काम को, हमारे काम में कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस काम को भी लांग जाते हैं, उसको उसमें भी विजय प्राप्त कर जाते हैं। इसके क्या है, एक परमेश्वर का अनुग्रह होता है केवल उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम का विश्वास रखते हैं। हालेलुया, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वासियों के लिए हर एक बात में भलाई ही उत्पन्न होती है, केवल उनके लिए जो कि उसके नाम के द्वारा बुलाए गए हैं। हर एक बातों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें भलाई ही मिलती है जो उसके नाम का विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। आज हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलने की जरूरत है। हमें अपने स्टेशन का पता होना चाहिए कि हमने कहां जाना है, स्वर्ग जाना है। हालेलुया, सबको पता है स्वर्ग का स्टेशन, सबको पता ना कि सबने स्वर्ग जाना है। वहां कुछ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है वहां पे, केवल क्या है, हालेलुया बोलना है और परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया, वहां पर यही काम है और कुछ नहीं है, अनंत जीवन है वहां पर, शांति का जीवन है वहां पर, बहुतायत का जीवन है वहां पर, एक प्रेम का जीवन है, एक उमंग का जीवन है और हर्षोल्लास का जीवन है। हालेलुया, वहां पर कोई फिक्र नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। जो जीवन की फिक्र है कि हाँ जाके हमने भी खाना भी बनाना है, हमने जाके अभी ये फलाने काम भी कर रहा है, कपड़े भी धोने हैं, हमने फलाने जगह शॉपिंग करने जाना है, हमने घूमने जाना है, जीवन के कई काम है, हमने कल के लिए भी गृहणी सोचते, हमने कल के लिए भी आटा गूंदना है सुबह के लिए उठने के लिए ताकि जल्दी बना सके, बहुत सी फिक्रें होती है ये दुनिया। हालेलुया, लेकिन वहां क्या है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, वहां क्या है, खुशी का जीवन है, शांति का जीवन है। मेरा जी जो हमें अपने उस जीवन का पता है, जीवन का पता होना जरूरी है उस स्वर्गीय जीवन के लिए, और उस स्वर्गीय जीवन के लिए मार्ग कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया, हमें उस मार्ग पे चलना है, उसको अपना एक अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है और समर्पण के साथ, सबसे पहले जब तक हम समर्पण के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते ना, तब तक हम उस राह पे नहीं चल सकते। हालेलुया, समर्पण के साथ आए, अपने सारे दुख तकलीफ और सारे मुसीबतें यीशु पर डाल दें। इस राजा में कुछ नहीं जानता, आप करोगे जो करोगे मेरे लिए। हालेलुया, और उसकी मार्ग पे सीधे चलते रहे। मेरे जीजो, हो ही नहीं सकता कि हम किसी मुसीबत में फंसे, हो ही नहीं सकता कि हम किसी परेशानी में पड़े, नहीं, वो हमारे हमेशा मार्ग को खोलता है, हमको ऊंचे पे चलाता है और ऊंचे पे चलते विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, उसने हमको पूंछ नहीं बल्कि क्या बनाए हैं, सिरा बनाया है, उसको हमारा ध्यान है क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने अपना चित्र हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद के बनाया है। मेरे प्रियो, उसने हमको अपनी सूरत में बनाया है, उसने हमको अपनी सूरत में बनाया है और अपना सांस हमारे अंदर फूंका है। हम समझे परमेश्वर की सामर्थ्य को, समझे यीशु के मार्ग को, समझे जब हम अपने उस स्वर्ग राज्य को अपना स्टेशन बना लेते हैं कि हमने उस जगह पहुंचना है जहां यीशु ने हमारे लिए जगह तैयार करके बढ़िया सा घर हमारे लिए बना रखा है, तो हम उसके पीछे चले ताकि हमारे जीवन की गाड़ी इधर उधर न जाए बल्कि सीधा कहां जाए, स्वर्ग लोक में जाए, किसके पास, प्रभु यीशु के पास। हालेलुया, और हम अनंत जीवन के भागीदार हैं। आज हम विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें, समर्पण के साथ परमेश्वर के निर्देश। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष दे और मुझे विश्वास है कि आप अभी से संकल्प ले लें कि हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, अपने समर्पण के साथ अपने यीशु के मार्ग पे चलने वाले बनेंगे। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष, सबको जय।